हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक ऑर्टन और आप देख रहे हो मेरा इंटरेस्टिंग चैनल मनाली वाला। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कीजिए ऑन। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज बिजली महादेव जी का यहाँ गाँव सिमसा में है दूसरा दिन। तो आज ये सियाल गाँव की तरफ प्रस्थान करेंगे सियाली महादेव के पास। तो चलिए बिजली महादेव जी सियाल की तरफ प्रस्थान करने के लिए जा ही रहे हैं, परंतु देवता कार्तिक स्वामी जी उनको जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि यार 14 साल बाद उनके पिता उनसे मिलने यहाँ गांव सिमसा आया है। तो इस वजह से वो एक दो दिन उनको और रखना चाहते थे, परंतु इनका जो 14 वर्ष के पश्चात जो फेरा होता है पूरी परिक्रमा वो रुकनी नहीं चाहिए, तो इसलिए इन्हें जाना पड़ेगा। देवता कार्तिक स्वामी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता ना जाए, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर रूल इज रूल। तो अभी देवता को जाना ही पड़ेगा अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए। तो फाइनली बिजली महादेव जी कार्तिक स्वामी जी के मंदिर से निकल चुके हैं और जा रहे हैं देवता सियाली महादेव के मंदिर में, जो कि सियाल गांव है मनाली में, वहां पर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है देवता के साथ श्रद्धालु एवं भक्तों की। तो सभी दूर दूर से आए हुए हैं देवता के दर्शन पाने एवं देवता को सियाल की ओर प्रस्थान करवाने।
अभी बिजली महादेव जी गांव छियाल में पहुंचे हैं, तो अभी उन्हें सियाल जाना है। अभी वो छियाल में पहुंचे हैं, तो यहाँ उनके पुत्र कार्तिकेय जी का बाल रूप है, तो उनका मंदिर भी यही रहा। और यहाँ पर उनको विश्राम दिया जाएगा थोड़ा, और उसके बाद चलेंगे सभी भक्तजन सियाल की तरफ। तो चलिए चलते हैं। कुछ श्रद्धालु एवं भक्त देवता के रथ को उठाने के लिए भी आए हुए हैं, तो उनकी इच्छा को भी पूर्ण किया जा रहा है। उनको भी रथ उठाने को दिया जा रहा है बिजली महादेव का। तो अभी पहुंच चुके हैं मनाली बाज़ार में, तो यहां से सियाल लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है, तो इसके बाद चलेंगे सियाल की तरफ। अभी देवता को सियाल की तरफ ले जाया जा रहा है, परंतु रास्ते में कुछ कांटेदार झाड़ियां हैं जिनसे कि रथ को क्षति पहुंच सकती है, तो इसलिए सभी झाड़ियों को अब तोड़ा जा रहा है ताकि रथ आसानी से
ऊपर की तरफ चढ़ा जाए। तो इस तरह की चैन बनाकर सभी ग्रामवासी बिजली महादेव के वो देवता को उतारते एवं चढ़ाते किसी भी चढ़ाई वाले रास्ते या दूसरे उतराई वाले रास्ते से। तो कुछ इस तरह का होता है इनका शेड्यूल। तो ये है रथ देवता सियाली महादेव का, जो कि इंतज़ार में बैठे बिजली महादेव के। तो कुछ इस तरह चढ़ाया जा रहा है देवता बिजली महादेव को यहाँ सीढ़ियों से। इसी तरह देवता सियाली महादेव बिजली महादेव के स्वागत के लिए खड़े हो चुके हैं अपने स्थान पर। तो अभी उनको लेने जाएंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये था भव्य मिलन देवता बिजली महादेव और सियाली महादेव के बीच। महादेव और महादेव आज एक साथ है एक ही जगह पर। तो जयकारा बोलते एक बार। तो चलिए
करते हैं इसको एंड। तो बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप दोस्तों आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।